हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक के ऑरा क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से एक्सिस बैंक के ऑरा क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड, ये हेल्थ से रिलेटेड एक बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। तो आपको जो फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हेल्थ से रिलेटेड ही होंगे। तो आइए समझते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को। तो जब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो साथ में आपको वेलकम वाउचर भी मिलता है, मतलब कि आपको जो वेलकम गिफ्ट एक तरह से मिलता है, वेलकम बेनिफिट भी इसको कह सकते हैं। तो आपको 750 रुपये का डिकैथलॉन की तरफ से गिफ्ट वाउचर मिलता है, जिसको ओमिनी गिफ्ट कार्ड भी कहते हैं। तो ये जो 750 रुपये का आपको वाउचर मिलता है डिकैथलॉन का, चाहे तो आप जो इसका इस्तेमाल जो है जो ऑनलाइन है डिकैथलॉन की वेबसाइट वहाँ से कर सकते हैं, या फिर जो इसका इस्तेमाल चाहे तो आप डिकैथलॉन के स्टोर पर भी जाकर के रिडीम करके कर सकते हैं। तो ये 60 दिनों की वैलिडिटी के साथ में आता है, जो वाउचर होता है तो 60 दिनों के लिए वैलिड होता है। तो 60 दिनों के अंदर अंदर, मतलब 60 डेज के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन मिलता है ऑनलाइन। ये तो प्रैक्टो पर, प्रैक्टो आप लोग जानते हैं, प्रैक्टो एक ऐप है जहाँ से आप जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब कि डॉक्टर को दिखा सकते हैं अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर से राय ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, जो भी आपको बीमारी है उसके बारे में डॉक्टर को जानकारी दे सकते हैं, और वहाँ से आपको जो डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट देते हैं, दवाइयाँ वगैरह लिखते हैं, या फिर जैसी भी एडवाइस दें तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो प्रैक्टो पर आपको हर महीने 4 बार फ्री जो है डॉक्टर कंसल्टेशन मिलता है, जिसमें कि आप चाहें तो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या फिर चाहे तो ऑडियो कॉल के ज़रिए, या फिर जो चैट के ज़रिए, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको प्रैक्टो पर 4 बार फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन मिलता है, तो एक बेहतरीन फीचर है। महीने में आप जो है दिखा सकते हैं 4 बार डॉक्टर को, किसी भी तरह की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो। और प्रैक्टो एक बेहतरीन ऐप है ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए, तो आप जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री फिटनेस सेशंस मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में आपको, महीने में 4 बार फ्री। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर टाइप कर रखा है, पार्टनरशिप कर रखा है फिटर्निटी के साथ में। तो आपको महीने में 4 बार फ्री जो है फिटर्निटी पर फिटनेस सेशंस मिलते हैं, वो भी वीडियो के, मतलब वीडियो के ज़रिए से बताया जाएगा कि कैसे आप अपने फिटनेस का ध्यान रखें, कैसे आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। तो वहाँ पे आपको वीडियो के ज़रिए से इंटरेक्ट किया जाएगा, बताया जाएगा, फिटनेस सेशन दिया जाएगा, फिटनेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आपको 16 रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको जो है वही फिटनेस के बारे में बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको सालाना हेल्थ चेकअप पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कहीं से आप सालाना हेल्थ चेकअप कराएंगे और आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, पार्टनरशिप कर रखी है इंडस हेल्थ प्लस के साथ में। तो अगर आप इंडस हेल्थ प्लस पर जाकर वहाँ से हेल्थ चेकअप कराते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप, मतलब सालाना हेल्थ चेकअप, तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, 400 रुपये से लेकर के 4000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, जो कि महीने में मैक्सिमम आपको 250 रुपये तक का मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको कम से कम 30% डिस्काउंट मिलता है न्यूट्रिशनल डाइट कंसल्टेशन पर, जो कि आपको बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से जो है कंसल्टेशन मिलता है। तो आपको कम से कम 30% जो है न्यूट्रिशनल डाइट कंसल्टेशन पर डिस्काउंट मिल जाता है, और इसी तरह से कम 30% न्यूट्रिशनल फूड पर भी डिस्काउंट मिल जाता है आपको इस क्रेडिट कार्ड से। और इस क्रेडिट कार्ड से हर 200 रुपये खर्च होने पर आपको 2 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि ये रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, एक्सिस बैंक की तरफ से आपको मिलते हैं। और वहीं पे अगर आप जो है इस क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं इंश्योरेंस वगैरह के लिए, तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कि 5 गुना आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, वही एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो ट्रांजेक्शन है उस पर एक कैपिंग लगा रखी है कि मैक्सिमम जो है इतना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कैपिंग लगा रखी है 10,000 रुपये तक। तो 10,000 रुपये तक पर ही आपको मिलेगा ये 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको डाइनिंग डिलाइट्स का फीचर मिलता ही है, कि जो एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स इंडिया भर में, वहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप जो है परचेस करते हैं, मतलब इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो है ऑर्डर करते हैं, तो फिर आपको जो है अप टू 20%, मतलब 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। और आपको प्रोडक्ट फीचर्स कैसे मिलेंगे इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे जानकारी दे रखी है, तो आप पढ़ लीजिए।
क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बहुत ईजी है जो यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी एज मतलब आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 5 लाख रुपये की होगी तो आप जो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 5 लाख रुपये सालाना अगर होगी तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा आपको और वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को बहुत आसानी से, और आपको ये क्रेडिट कार्ड अगर आप एलिजिबल होंगे तो मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। और अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बात करें तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पर। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है मतलब आपके पास पहले से ही कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं और आपने बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर अपना मेंटेन कर रखा है, बहुत बेहतरीन आपका सिबिल स्कोर है, तो हो सकता है कि आपसे जो है कोई भी इनकम प्रूफ न लिया जाए और आप अप्लाई करें तो आपको मिल जाए। सिर्फ जो है वेरिफिकेशन वगैरह हो, थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि कभी कभी होम वेरिफिकेशन हो जाता है, कभी कभी ऑफिस वेरिफिकेशन हो जाता है और कॉल पर वेरिफिकेशन होता है, वो तो चलता ही है। इसके अलावा KYC तो ज़रूरी होता है, तो KYC के डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए हैं। और अगर जो है बिल्कुल आप जो है पहली बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर जो है आपका प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं है और आपसे जो है इनकम प्रूफ मांगा जाए, तो ऐसे में आपसे अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपसे ITR की कॉपी मांगी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप सैलरीड है तो फिर आपसे जो सैलरी स्लिप मांगी जा सकती है, या फिर सैलरी के लिए आप जो कोई डॉक्यूमेंट दीजिए तो उसके आधार पर आपका क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करके फॉरवर्ड किया जाएगा और उसके बाद एप्लीकेशन आपका अप्रूव या फिर रिजेक्ट होगा। तो इस तरह से जो है इनका सिस्टम चलता है। तो बहरहाल मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने का पूरा देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। KYC डॉक्यूमेंट्स में आजकल जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़्यादातर लिया जाता है, तो ये आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी 749 रुपये प्लस GST है, और इसी तरह से जो इसकी एनुअल फ़ी है जो सेकेंड ईयर से आपसे ली जाएगी वो भी 749 रुपये प्लस GST है। ऐड ऑन कार्ड, अगर आप किसी अपने फैमिली मेंबर को ऐड ऑन कार्ड दिलाते हैं तो उसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं होगी, और जिसको आप दिला रहे हो ऐड ऑन कार्ड उसकी कम से कम एज होनी चाहिए 15 साल। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड आपका टूट फूट गया, ख़राब हो गया, फिर कहीं गुम हो गया, फिर चोरी हो गया, तो ऐसे में अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराएंगे तो इसके लिए कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी फ़ी नहीं होगी। कैश पेमेंट करने पर 100 रुपये की फ़ी आपसे ली जाएगी प्लस GST, जितने भी फीस और चार्जेस है सब पे GST आप जोड़ते जाइएगा प्लस GST प्लस GST। तो अभी 18% मतलब 18% GST लिया जा रहा है अभी के टाइम में। तो बहरहाल दोस्तों, अगर आप जो है कैश पेमेंट मतलब अगर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं ब्रांच विजिट करके, तो उसके लिए आपसे 100 रुपये की फ़ी ली जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन करिए, खुद से करिए, तो उस पर आपसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए आपसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी, फ्री है, मतलब कि माफ़ है फ़ी। मोबाइल अलर्ट्स जो ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए मैसेजेस आते हैं वो भी फ्री हैं। हॉटलिस्टिंग चार्जेस कुछ नहीं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को हॉटलिस्ट कराते तो उसका कोई चार्ज नहीं है। बैलेंस इंक्वायरी करने का भी कोई चार्ज कोई फ़ी नहीं है, वो वेव्ड है, माफ़ कर दिया गया है। फाइनेंस चार्जेस जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो ये जो चार्ज है ये तब हमसे लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, तो ऐसे में हमसे ये जो है फाइनेंस चार्ज या फिर इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। और ये जो फाइनेंस चार्ज या फिर इंटरेस्ट चार्ज है ये 3.4% पर मंथ है, और पर एनम मतलब सालाना 49.36% है। कैश विड्रॉल करने पे मतलब पैसे निकालने पे आपसे फीस भी ली जाती है जो कि 3.4% है, जिसमें कम से कम आपको जो है 500 रुपये की फ़ी देनी होगी। मतलब अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं और अगर आपने बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉल किया है और उस पर अगर कैलकुलेट किया जाए 3.4% और वो 500 रुपये से ज़्यादा हो तो आपसे फ़ी ली जाएगी 3.4%। और अगर आप जो है बहुत कम पैसे निकालते हैं और ऐसे में कैलकुलेट किया जाए 3.4% और वो 500 रुपये से कम हो तो कम से कम आपसे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। ओवर ड्यू पेनल्टी या फिर लेट पेमेंट फ़ीस या फिर लेट पेमेंट चार्जेस जो है 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक हो सकते हैं, डिपेंड करता है ये ओवर ड्यू अमाउंट पर। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने ओवर ड्यू अमाउंट पर आपसे कितना जो है लेट पेमेंट चार्ज या फिर लेट पेमेंट फ़ी ली जाएगी। ओवर लिमिट पेनल्टी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, जिसमें कम से कम आपसे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड कर देते हैं, मतलब लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में जितना भी आपने खर्च किया होगा उसका 2.5% मतलब 2.5% जो आपसे फ़ी ली जाएगी। लेकिन अगर आप जो है
कम ही खर्च करते हैं, 2.5% कैलकुलेट किया गया, 500 रुपये से कम हो रहा हो तो कम से कम आपसे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। चेक अगर रिटर्न होता है या फिर ऑटो डेबिट फेल होता है, पेमेंट नहीं हो पाता आपके क्रेडिट कार्ड का, तो ऐसे में 2% जो है पेमेंट का आपके आपसे फ़ी ली जाती है, चार्ज लिया जाता है, जो कि कम से कम 450 रुपये आपको देना होगा। तो ये आप मान के चलिए कि 450 रुपये कम से कम चार्ज देना होगा, फ़ी देना होगा अगर आपका जो चेक रिटर्न होता है या फिर ऑटो डेबिट फेल होता है, पेमेंट नहीं हो पाता आपके क्रेडिट कार्ड का, तो ऐसे में ये फ़ी ली जाती है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी 3.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट है, मतलब 3.5% आपसे जो है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए लिया जाएगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर आपको जो है 3.5% चार्ज देना होगा, जितना आपने ट्रांजेक्शन किया होगा उसी अमाउंट के 3.5%। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के ज़रूरी फीस और चार्जेस जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। तो ये था एक्सिस बैंक का ऑरा क्रेडिट कार्ड जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो वीडियो देखिए, और लिंक भी मैंने दे रखा है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का एक्सिस बैंक का। तो आप जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए एक्सिस बैंक का, और जो है ये क्रेडिट कार्ड आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग शो होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। ये क्रेडिट कार्ड मुझे जो है सही लगा है, जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और जो लोग जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है, सही है, तो ये क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब न हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।